share a moment from my college. So what happened actually is, when I was in BPT, I missed two lectures. One was hip joint sometime and the other was spine. So what I actually want to convey is, sometime in your life, in your academic process, there comes somebody, some teacher who gives you some link or some lecture that completely changes your path. So what actually happened is, कि मैं अपना spine को बहुत complex वाला ऐसा समझता था. फिर in masters I came through this professor. सर का मैंने एक लेक्चर अटेंड किया और मुझे स्पाइन में इतना इंटरेस्ट जागा कि अब मेरा ऑलमोस्ट, दो आई एम जस्ट अ मास्टर्स एंड नॉट अ पीएचडी एंड आई एम नॉट हैविंग सच अ वास्ट एक्सपीरियंस एज मैम, बट स्पाइनल एरिया समहाउ इज माय एक्सपर्टाइज नाउ. तो दीज लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मुझे, क्योंकि लास्ट मैम का लेक्चर याद है जो मैम ने कैंसिल कर लिया था प्री कोविड टाइम में. तो दीज लेक्चर्स Why are these lectures so important? हम बिल्कुल नहीं जानते, मुझे नहीं पता था कि जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उसमें से एक स्टूडेंट है विवेक यादव, वो जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं उसमें पेडियाट्रिक फील्ड में इतना अच्छा ग्रो कर गए, दूसरे कोई कार्डियो में, किसी फील्ड में, कोई स्पोर्ट्स में, कि कुछ स्टूडेंट्स ने फिजियोथेरेपी एंड फिजियोथेरेपी साइंटिफिक इक्विपमेंट की कंपनीज ज्वाइन करके. ये बहुत चैलेंजिंग फील्ड्स हैं, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑन्कोलॉजिकल लैब में ऑलमोस्ट अनटच्ड है. इवन मुझे बहुत सी चीजें जैसे मैम स्वालोइंग रिलेटेड बता रही है, शायद हमारा थॉट भी नहीं जाता है कि स्वालोइंग, हम भूल जाते हैं कि स्वालोइंग इज सच एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन पार्ट ऑफ एडियल. तो ये चीजें ग्रेस्प करनी है तुम्हें भी, हमें भी. मैम हमारे लिए टाइम निकाल के आए हैं और आई गेस आगे भी हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैम के लेक्चर्स अटेंड करने के लिए. वी कैन वर्क ऑन मेनी टॉपिक्स मैम अहेड, हैविंग सच अ वास्ट पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस. तो इसको देखो तुम लोग, इससे देखो क्या तुम अचीव करते हो, एंड यू कैन थिंक अबाउट वर्किंग इन ऑन्कोलॉजिकल रिहैब इन योर फील्ड्स आप ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप. मैम ये बैच अब बस इंटर्नशिप पे जा रहे हैं, टू मंथ्स लेटर, थ्री मंथ्स लेटर इंटर्नशिप में. मोस्टली कई बार ऐसा होता है इंटर्न्स को जो इंचार्ज है वो डरते हैं जल्दी आईसीयू के किसी सीवियर केस में या स्पेशली ऑन्कोलॉजिकल रिहैब में. तो ये एक तुम्हारे लिए शुरुआत है, स्टार्ट है, तुम्हें आइडिया मिला है, इस पर आगे काम कर सकते हो. इंटर्नशिप में तुम्हारे इंचार्ज को पता होगा कि यू नो समथिंग अबाउट दी ऑन्कोलॉजिकल रिहैब और इसमें आगे जा सकते हो. तो आई वुड रिकमेंड यू टू वर्क ऑन दिस नॉलेज ऑन दिस टॉपिक्स. You can always achieve in your internship and thereafter in your careers. So thank you very much, ma'am. And thank you very much. Thank you. And then nuclear scan होता है. Then they see on the nuclear scan जहाँ जहाँ cancer आपका होगा वहाँ पर उसकी updates आ जाएगी. I know it because I got in a cancer institute. At that time I didn't have patients. So I went and I learned all these things. Texas scan is a normal scan. इससे करके हम लोग vertex scan में क्या देखते हैं? We are usually seeing the calcium uptakes. No radiation, radioactive material is given. In nuclear scan, bone scan, they give a nuclear medicine, radioactive injection, and then see. Similarly, renal scan is done. Renal में भी radioactive material देते हैं और तब उससे पता चलता है कहाँ का उसका deposit ज़्यादा है. So TNM means the number of tumors, N is the number of nodes, and M is the metastasis. So whenever you see a patient, and when you see, you should go and read the TNM classification. जब diagnose करते हैं तो TNM classification करा लेते हैं, so that they know कि it is a primary cancer or it has spread to what all areas. Clear? TNM, it can be T1. N0 or M0, that means only one tumor, or it can be T1, N4, fourth number of nodes are positive and one metastasis. So that has to be read and you should be able to read it and know what type of, how much it is spread or how much involvement is there. Depending on the TNM classification,
they decide whether the surgery has to be done or the radiation has to be done or chemotherapy has to be done. Radiation therapy सबको पता है, chemotherapy सबको पता है, they are special medicines which are given to kill the cancer cells, but they do affect the normal cells also. Surgical सबको पता है, they remove the tumor or the areas nodes involved. So different surgeons, different ideas. बड़े हॉस्पिटल में अगर कैंसर हॉस्पिटल में जाओगे, they will always look to the nodes also. When I come to different areas, then I'll tell you how those nodes and their removal is important. So that's in breast cancer. What has to be done first? Surgery, radiation, or chemotherapy? No. It can be chemo. Stage 3 है. इसी से staging होती है TNBC. Stage 1 है, 2 है, 3 है. So if it is metastasis, it is a advanced stage. Metastasis नहीं है, primary है. So that is how they do the staging.